गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस सेंट एंजल पब्लिक स्कूल बागपत, स्टैंडर्ड 9th, सब्जेक्ट SST, यूनिट हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1st, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। द रीन ऑफ टेरर, द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड एज द रीन ऑफ टेरर एज इट वॉज ए पीरियड ऑफ वायलेंस डेट ओकर्ड मोर देन वन ईयर insisted by conflict between rival political factions and marked by mass execution of enemies of the revolution. जो पीरियड 1793 से 1794 के बीच का है, इसी को रीन ऑफ टेरर, दहशत के दौर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक ऐसा दौर था जब बड़े पैमाने पर हिंसा देखने को मिली और ये हिंसा का समय लगभग एक साल से साल तक बना रहा। जितने भी राजनीतिक संगठन थे उनके बीच में मतभेद देखने को मिला और बड़े पैमाने पर लोगों को जान से मारा गया, ख़ास तौर से जो क्रांति के दुश्मन थे उन लोगों को। मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर ने बहुत ही ज़्यादा सख्त और पनिशमेंट वाली पॉलिसी फॉलो की। All those whom he saw as being enemies of the republic, ex-noble and clergy members of other political parties, even member of his own party who did not agree with his method were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. Maximilian Robespierre उन सभी लोगों को जिन्हें वो अपना दुश्मन मानता था, जिस जो गणतंत्र के विरुद्ध थे, जिसमें ख़ास तौर से नोबल, क्लर्जी, दूसरे राजनीतिक संगठन के मेंबर, यहाँ तक कि उसकी खुद की पार्टी के वो लोग जो उससे सहमत नहीं थे, उन सबको गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया और एक रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल द्वारा उन पर केस चलाया गया। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वे गिलोटिन। द गिलोटिन इज़ ए डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड ए ब्लेड विथ विच ए पर्सन इज बीहेडेड। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट। अगर कोर्ट द्वारा ये लोग दोषी पाए जाते थे तो उनको गिलोटिन की सज़ा दी जाती थी। गिलोटिन एक डिवाइस है जिसमें दो पोल लगे रहते हैं और एक ब्लेड होता है और इसकी मदद से लोगों का सर काटा जाता है। इसका नाम गिलोटिन इसलिए पड़ा क्योंकि इसको जिसने इन्वेंट किया उनका नाम डॉक्टर गिलोटिन था। द गवर्नमेंट इश्यूड लॉ प्लेसिंग ए मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस मीट एंड ब्रेड वर राशन। सरकार ने नई नीतियाँ लागू की जिसके तहत वेजेस और प्राइसेस पर पाबंदियाँ लगा दी गई। मीट और ब्रेड को राशन की दुकानों से लोगों तक पहुँचाया जाने लगा। पीसेंट्स वेर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। किसानों को ज़बरदस्ती अपनी फसलों को शहरों तक लाना पड़ता था और यहाँ पर बाज़ारों में सरकार द्वारा तय किए गए दामों पर अपनी फसलों को बेचना पड़ता था। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन और सिटीजन वे रिक्वायर टू ईट द पेन लुविट इक्वालिटी ब्रेड ए लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। वाइट फ्लोर जो ज़्यादा एक्सपेंसिव कीमती था उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई और उसके स्थान पर ए लोफ जो होल व्हीट से बनता था उसके इस्तेमाल को कहा गया। Equality was also sought to be practiced through form of speech and addresses. Instead of traditional monsieur, sir and madame, all French men and women were henceforth citoyen and citoyenne, citizen. इतने नहीं, फ्रांस के अंदर जितने भी नागरिक हैं, आदमी और औरतें, उन्हें आदमियों को citoyen और औरतों को citoyenne के नाम से पुकारा गया। Churches were shut down and their building converted into barracks of or offices. जितने भी चर्चेस थे उन सबको बंद कर दिया गया और उनकी इमारतों में बैरक या ऑफिसेस खोल दिए गए। रोबोस्पियर परसुएडेड इस पॉलिसी सो रेंटलेसली डेट इवन हिज सपोर्टर बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन। रोबोस्पियर ने अपनी जो नीतियाँ थीं उन्हें बहुत सख्ती के साथ लागू किया। इन्हें इतनी सख्ती से लागू किया कि जो उसके समर्थक थे खुद वो भी इसमें ढील चाह रहे थे।
The intensification of the reign of terror caused many influential members of the Convention and of the Jacobin Club to fear of their own safety. ये दहशत का जो दौर चला उस दौरान बहुत सारे इन्फ्लुएंसियल मेंबर जो कन्वेक्शन और जैकोबिन क्लब थे वो खुद अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए थे। ऑन July 27, 1794 रोबोस्पियर वॉज एक्यूज ऑफ टायरनी बैर्ड फ्रॉम स्पीकिंग एट द नेशनल कन्वेंशन एंड वॉज प्लेस अंडर अरेस्ट एज वर सेवरल की सपोर्टर। 27 जुलाई 1794 को रोबोस्पियर को विद्रोह के देशद्रोह के आधार में गिरफ्तार किया गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। ऑन July 28 रोबोस्पियर और 28 जुलाई को रोबोस्पियर टुगेदर विथ हिज क्लोसेस्ट एसोसिएट्स एंड 19 अदर सपोर्टर डाइड ऑन द गिलोटिन। और 28 जुलाई को रोबोस्पियर और उसके जो बाकी सहयोगी थे करीबी लोग थे इसमें खास तौर से 19 लोग रोबोस्पियर के साथ गिलोटिन यानी कि उनको जान से मार दिया गया, उनका सर काट दिया गया। द डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। जैकोबिन सरकार गिरने के बाद जो मध्य वर्ग के अमीर लोग थे उनके हाथों में सत्ता चली गई। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस इज डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टियर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नया संविधान तैयार किया गया और इस नए संविधान के तहत जिन लोगों के पास संपत्ति नहीं थी उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लेड द प्रोविजन फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल दिस देन अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर। दिस वॉज मेंट एज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन। फ्रांस में नए संविधान के तहत शासन व्यवस्था अब डायरेक्टरी के हाथों में रहेगी। ये जो डायरेक्टरी है इसमें 5 मेंबर चुने जाएंगे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पावर एक जगह कंसंट्रेट ना हो सके। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन ये जो डायरेक्टरी थी इसकी राजनीतिक अस्थिरता की वजह से मिलिट्री डिक्टेटर जो है फ्रांस में आने का रास्ता साफ हुआ यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट के लिए रास्ता तैयार हुआ। थ्रू ऑल दिस चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द आइडियल ऑफ फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड ऑफ फ्रेटरनिटी रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियल डैट मोटिवेट पॉलिटिकल मूवमेंट इन फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। सरकार में हो रहे इन बदलावों के दौरान जो आज़ादी की विचारधारा थी, कानून की नज़र में सबकी समानता की बात थी, भाईचारा था, ये ऐसे विचार थे जो राजनीतिक आंदोलनों को फ्रांस में और बाकी पूरे यूरोप में सदियों तक इंस्पायर करते रहे, प्रेरणा देते रहे। वुमेन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वेर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी। दे पार्टिसिपेटेड इन द रेवोल्यूशन होपिंग फॉर ए चेंज इन देयर लाइफ स्टाइल। काफ़ी शुरुआत से ही औरतें जितने भी आंदोलन फ्रांस में हुए उन सब में बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। इन लोगों ने आंदोलन में ये सोचकर हिस्सा लिया कि उनका जो लाइफ स्टाइल है उसमें कुछ बदलाव होगा। कंडीशन ऑफ वुमेन बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर ए लिविंग। ज़्यादा थर्ड स्टेट की जितने भी औरतें थी उन्हें जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था, अपनी जीविका कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था। दे वर्क एज सेमस्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेस सॉल्ट फ्लावर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एट द मार्केट और वेर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउसेस ऑफ प्रॉस्परस पीपल। थर्ड स्टेट की ज़्यादातर औरतें या तो सिलाई का काम किया करती थी या कपड़े धोने का काम किया करती थी या फूल फल और सब्जियां बाजारों में बेचा करती थी। इतना ही नहीं वह घरों में भी नौकरों का काम किया करती थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एन एसेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल और वेल्थी मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट ए कॉन्वेंट। शिक्षा की बात करें तो थर्ड स्टेट की ज़्यादातर औरतों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। सिर्फ जो नोबल या थर्ड स्टेट के जो पैसे वाले लोग हैं उन्हीं की ही लड़कियां कॉन्वेंट में पढ़ सकती थी।
आफ्टर विच देयर फैमिली अरेंज ए मैरिज फॉर देम। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके घर वाले उनकी शादियाँ कर दिया करते थे। वर्किंग वुमेन ऑल्सो टुक केयर ऑफ देयर फैमिली, डेट इज कुकिंग, फैचिंग वाटर, पीइंग फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। ये काम करने वाली औरतें अपने घरों की देखरेख भी करती थी, अपने परिवारों की देखरेख भी किया करती थी। घर के बहुत सारे काम इनके जिम्मे हुआ करते थे, जैसे कुकिंग का है, खाना पकाने का है, पानी लेकर आना है, बेड के लिए लाइन में लगना है और बच्चों की देखभाल करना है। देयर वेजेस वेयर लोअर देन दोज ऑफ मैन। औरतों को जो पैसा काम का मिलता था वो पुरुषों के मुकाबले कम मिलता था। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर। औरतों ने अपने मुद्दों को डिस्कस करने के लिए और अपनी आवाज़ों को उठाने के लिए अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब, राजनीतिक क्लब बनाने शुरू किए और अखबार निकालने भी शुरू किए। अबाउट 60 वुमेन क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। लगभग 60 औरतों द्वारा बनाए गए क्लब फ्रांस के अलग अलग शहरों में बनने शुरू हुए। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन वाज मोस्ट फेमस ऑफ देम। इनमें खास तौर से सोसाइटी ऑफ द रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध वुमेन क्लब थे। वी विल डिस्कस द चैप्टर फर्दर इन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास। टिल देन स्टे कनेक्टेड, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।